भगवान तुम अपने तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज इस वीडियो में आपको किस ब्रिज के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको ये वीडियो दिखाया था, आप देख पा रहे हो ये वाला वीडियो, अभी एक महीने पहले मैं अपलोड किया था अपने चैनल पर, और आपको बताया था कि अभी आजमगढ़ से जाने के लिए रास्ता, जो बनारस से आने वाला रास्ता है, वो चंदोक ब्रिज टूट गया है। उसके बाद जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं वो इसी रास्ते से आ रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, बनशक्ति घाट का ब्रिज है जो हमारे गांव के नियर में एकदम पास में पड़ता है, और ये हमारी गोमती नदी है और इससे हम बनारस की तरफ जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी, हालांकि मैं आपको कुछ सेगमेंट दिखाया था, और वही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वही हाल हुआ है। मैं आपको बताया था एक साल ऐसे ही चलेगा रास्ता, और आप देख पा रहे हैं रास्ता टूट गया है और आज इसकी मरम्मत होने जा रही है। और ऐसे ही एक बार थोड़ा सा गड्ढा और हो गया था, ऐसे ही मतलब टूटता रहेगा एक साल, अभी गाड़ियाँ ऐसे ही जाएंगी। और आप बताइए कि अगर ऐसे ही रहेगा तो अब इस रास्ते का क्या होने वाला है और सरकार आगे क्या कार्रवाई करनी चाहती है इस रास्ते के बारे में। वैसे कि PWD तुरंत तत्काल काम कर दिया है, अभी हल्का सा गड्ढा हुआ था इस ब्रिज पर, देख पा रहे हैं जहाँ पे ये लोग खड़े हैं और वहाँ पे मरम्मत की जा रही है, वहाँ पे हल्का सा गड्ढा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि एक बैग PWD ने यहाँ पे अपने सारे मरम्मत करने का इंतजाम कर दिया है और यहाँ पे रास्ता कंप्लीट बनाया जा रहा है। अब रास्ता बन जाएगा, बट वो जो गाड़ियाँ जाने की परेशानियाँ एक महीने से चल रही है। यह है दोस्तों चंदोक बाजार, एकदम आजमगढ़ की तरफ से ये रास्ता जो है क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। और इधर ये सामने जो देखिए, देख पा रहे हैं ये रास्ता जो है कि आजमगढ़ और गोरखपुर जो दोहरी घाट की तरफ जा रहा है, और इधर से हम अगर आ रहे हैं बनारस की तरफ से, जैसे आप देख पा रहे हैं ये रास्ता बनारस की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे डिवाइडर है, जो छोटी गाड़ियाँ तो आ सकती हैं बट यहाँ पे बस जो है, बड़ी गाड़ियाँ यानी कि ओवरलोड गाड़ियाँ, ट्रक, ये सब नहीं जा सकती हैं। आप देख पा रहे हैं ऐसा है, इसलिए फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो ब्रिज है, चंदोक का ब्रिज है ये, और ये गोमती नदी का ब्रिज है, ये आजमगढ़ और बनारस का जो रोड है वो मेन रास्ता है, और ये रास्ता जो जाता है सीधे आजमगढ़ से बनारस की तरफ, गोरखपुर की तरफ आप जा सकते हैं, और ये रास्ता क्षतिग्रस्त है। इस टाइम बताना चाह रहे हैं कि उसके बाद से जो भी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, ओवरलोड गाड़ियां हैं, ये रास्ता जब से खराब हो गया है, चंदोक का ब्रिज जब से खराब हो गया है, उसके बाद से सारी गाड़ियां हमारे इस बनशक्ति घाट से जा रही है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये ब्रिज बहुत दिनों से खराब है, यानी 2-3 महीने से, और ये हमारे बनशक्ति घाट का जो ब्रिज है अभी बहुत नया ब्रिज था, और यहाँ पे ये देख पा रहे हैं इसका भी मरम्मत चालू है। चला तब चल ले। अगर ऐसा ही रहा
तो आप देख पा रहे हैं चंदौक के तीन तीन ब्रिज है, यानी आप देख पा रहे हैं यार, मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा, देखिएगा। ये जो ब्रिज है चंदौक के बगल में आप देख पा रहे हैं, ये पुराना ब्रिज है और चंदौक पुल ही है इसे बोलते हैं। ये पहले हुआ करता था और हमारे जन्म से पहले का ये ब्रिज है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो अभी हम चल रहे हैं जिस ब्रिज पर हैं अभी, ये है चंदौक का मेन ब्रिज जो अभी इस टाइम क्षतिग्रस्त है। इस पर बड़ी गाड़ियाँ यानी बस और बड़े बड़े ट्रक वगैरह नहीं जा रहे हैं। तो सरकार से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये कार्य किया जाए ताकि ये दोनों ब्रिज बचे रहें और आसानी से लोग आवागमन कर सकें। बनारस से आजमगढ़, गोरखपुर, दोरीघाट या फिर बनारस से इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली कहीं भी जा सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड यही है, आप देख पा रहे हैं ये चंदौक का ब्रिज है और ये चंदौक का पुराना ब्रिज बगल में है और ये चंदौक का मेन ब्रिज, इसके बगल में चंदौक का नया ब्रिज बनने वाला है जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भारी वाहन भी आ रहे हैं, जैसे वो ट्रक देख रहे हैं ओवरलोड है। और वो चंदौक का ब्रिज साहब वहाँ से आते थे तो उसे हाईवे के रूप में बनाया गया था। ये ब्रिज गाँव का रास्ता है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसे ट्रक बराबर 24 घंटा आ रही है और यहाँ पे जो रोड है उसको पूरा खराब कर दिए हैं। तो इसका क्या करना है, सरकार क्या करना चाहती है, वैसे PW अपना काम तो कर रही है, बट जो चंदौक का ब्रिज टूटा है उसे कितने जल्दी बनाना चाहती है, आप इस हमें कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको कितनी हानियाँ हो रही हैं, मतलब आने जाने में चंदौक से, मतलब आजमगढ़ जाने में या फिर बनारस जाने में या फिर कहीं जाने में आपको परेशानियाँ हो रही, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हो। और वैसे इस रास्ते के बारे में आप अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते मैं बता दूं, ये नियार का रास्ता है, यानी आप बनारस जा सकते हैं, आजमगढ़ से जा सकते हैं, आ सकते हैं, बट ये रास्ता मरम्मत जो अभी हो रहा है ये देख पा रहे हैं ये बहुत सारे भारी वाहनों के कारण हो रहा है। अगर ये भारी वाहन नहीं आते ज़्यादा तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता आपको। और आप देख पा रहे हैं वहाँ पे दो ट्रक लगे हुए हैं और ट्रक के साथ साथ एक ट्रक पीछे भी है जो कि ओवरलोड है। उसके साथ ये जो ब्रिज है, ब्रिज जो है समझ लो कि एक तरह से रो पड़ रहा है। देख पा रहे हैं अभी एक महीना नहीं हुआ, ये वीडियो में बना के आपको दिखाया था और एक महीने बाद ये ब्रिज टूट गया है, इसका मरम्मत चालू हो गया। अभी एक साल चलने वाला है, आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो यही था आज हमारा, आगे वीडियो में लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।